और भाइयों कैसा लगा मेरा साइकिल पर वजन ढोने का तरीका, साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका। कमर पर वजन ढोते ढोते परेशान हो गए थे अपना लोग। मैंने सोचा क्यों ना सब लोग अपना एक एक साइकिल खरीद ले और साइकिल पर बोरा ढोकर पैसा कमाया जाए। अरे अखिलेश तुम तो साइकिल चलाने में माहिर हो, तुम इतने पीछे कैसे रह गए? अरे मोदी जी किसी को आपका तरीका पसंद आया हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे साइकिल पर इतना वजन ढोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने भारी भारी तीन तीन बोरे कौन रख पाता है साइकिल पर? तुम्हें पता है मैं पीछे क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरी साइकिल का टायर फट चुका है। सही कह रहे हो अखिलेश, मुझे भी साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जितने की अपना मजदूरी नहीं करते उससे ज्यादा तो साइकिल में नुकसान हो जाता है। क्योंकि ये मोदी जी अपनी साइकिल पर तीन तीन बोरे रखते हैं तो उन्हें देखकर हमें भी तीन तीन बोरे रखना पड़ते हैं। अपने साइकिल पर इतने भारी भारी तीन बोरे रखते ही साइकिल का टायर फट जाता है। लालू जी अखिलेश तुम्हारी साइकिल का टायर फटेगा नहीं, जब इतनी कमजोर साइकिल खरीदी है तुमने। तुमने 1500 रुपए वाली साइकिल खरीदी है जबकि हमने 2000 रुपए वाली साइकिल खरीदी है। हम अपनी साइकिल पर कितना भी वजन लाद ले कोई दिक्कत नहीं होती है, न टायर फटता है न कोई नुकसान होता है। भाई मोदी जी किसी को आपका आइडिया पसंद आया हो ना आया हो, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जब से आपने साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका सुझाया है तब से मैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा हूँ। पहले मैं कमर पे बोरे ढोके मुश्किल से 100 रुपए दिन कमाता था, आज मैं 300 रुपए दिन कमाता हूँ साइकिल पर बोरे ढोकर। जब कमजोर साइकिल खरीदोगे तो नुकसान तो होगा ही। वैसे मैंने भी आज अपनी साइकिल पर बहुत भारी बोरे लाद लिए, मुझसे साइकिल खिंच नहीं पा रही है। अरे मोदी जी योगी जी आपको ये साइकिल पर बोरे ढोकर मजदूरी करने का काम अच्छा लगता है? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं अखिलेश और लालू जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पहले तो कई जगह से पैसे उधार लेना पड़े इस साइकिल को खरीदने के लिए। एक महीना होने को जा रहा है मजदूरी करते करते, अभी साइकिल का उधार नहीं चुका पाया हूँ मैं। अगर मैंने साइकिल नहीं खरीदी होती तो मैं जो भी मजदूरी करता मेरी होती। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचाऊं, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, 9 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे ये क्या मोदी जी आज तो बिल्कुल सारी जगह घिर गई, मुझे तो टीवी के पीछे बैठना पड़ रहा है, ऐसे मुझे टीवी कहाँ दिख जाएगी? अरे लालू जी थोड़ा उधर को सर को। राहुल जब लेट आओगे तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर बैठना ही पड़ेगा। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि गांव में सिर्फ एक ही टीवी है मेरे घर पर, और गांव के सारे लोग यहां पर टीवी देखने के लिए आते हैं, तो जगह बनकर थोड़ी आएगी। जब सारे लोग आएंगे जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाऊं। और ये क्या 9 बज गए फिल्म शुरू हो गई होगी, टीवी सही से चली नहीं रही है क्योंकि ऊपर एंटीने पे ऐसा लग रहा है फिर से कौवा बैठ गया। लालू जी जाओ जरा देख कर आओ, एंटीने को घुमा कर आओ। नहीं मोदी जी आज मैं छत पर नहीं चढ़ूंगा, कल तो मैंने एंटीना घुमाया था, आज एंटीना घुमाने के लिए योगी जी को भेजो। ज्यादा बातें मत करो लालू जी, देखो फिल्म स्टार्ट हो गई होगी। तुमसे पहले मैं तो 4 बार एंटीना सही करके आया था, तुम 2 बार चले जाओगे एंटीना सही करने के लिए तो क्या हो जाएगा? देखो फिल्म चालू हो गई होगी, जल्दी से सही कराओ। अरे मोदी जी तुम्हारे टीवी का एंटीना आज ही खराब होने को रह गया था। मैं और सिद्धू जी 5 किलोमीटर से आज शनिवार की फिल्म देखने के लिए आए थे, हमें क्या पता यहाँ आकर तुम्हारी टीवी खराब हो जाएगी। अरे अमित शाह जी टीवी खराब नहीं हुआ है, छत पर एक एंटीना बंधा हुआ है, उसी के नेटवर्क को कैच करके तो फिल्म चलती है। उस एंटीने पे कभी कभी कौवा बैठ जाता है, वो हिल जाता है, उस एंटीने को जब हिला देते हैं वो सही हो जाता है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है, फिल्म निकली जा रही है। अखिलेश तुम जाओ जाओ एंटीना सही करने के लिए। देखो मोदी जी आज मैंने खेत पर बहुत काम कर लिया है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो छत पर नहीं चढ़ूंगा, और कभी किसी दिन मैं एंटीना सही कर दूंगा। अरे केजरीवाल तुम ही बढ़ जाओ छत पे, जाओ एंटीना सही करके आ जाओ। मोदी जी मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, मैं अगर छत पर एंटीना सही करने के लिए जाऊंगा तो मेरी जगह पर राहुल आकर बैठ जाएगा। चलो वैसे जी तुम्हारा ही सहारा है, तुम जाके एंटीना सही कर रहा हूं, ये कोई तो नहीं जा रहा है। मोदी जी मैंने आपसे इतनी बार बोला है कि एंटीने को कसकर बांध दो छत पर, कसकर बांध दो, कौवा बैठे उससे हिले नहीं, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। कौवा बैठता है एंटीना हिल जाता है और टीवी का नेटवर्क चला जाता है। अरे आधी फिल्म तो खत्म हो गई होगी, चलो हम ही जाते हैं छत पर सही करने के लिए एंटीना। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले तो गांव के हमारे इस स्कूल में उपस्थित भाइयों और बहनों और सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 10 साल पहले मैंने इस गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला था, सिर्फ 2 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज मेरे स्कूल में कम से कम 1000 बच्चे हैं। नए साल के मौके पर हम हर साल अपने इस स्कूल में एक फंक्शन करते हैं, और हमारे इस स्कूल में पूरे साल में जिन स्टूडेंटों ने खेल में कूद में और
पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया होता है उसे हम रैंक के हिसाब से अवार्ड देते हैं। इस साल का पहला अवार्ड जाता है योगी जी को और दूसरा अवार्ड जाता है अखिलेश को और तीसरा अवार्ड हमारे सबके चहेते राहुल को। पहले शुरुआत अखिलेश में तुमसे करना चाहूंगा। तुम पढ़ाई में भले ही हल्के पीछे थे लेकिन खेल कूद में बहुत आगे थे, इसी वजह से तुम दूसरे स्थान पे आए। अगर तुम पढ़ाई में और अच्छे होते तो आज तुम पहले स्थान पर होते। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जी मोदी सर जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इस साल खेल कूद के प्रदर्शन हुए सब में नंबर 1 की पोजीशन पाई लेकिन पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह गया, इसीलिए नंबर 2 पे आया हूँ। अगली बार मैं पढ़ाई को सुधार कर नंबर 1 की पोजीशन पाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया अखिलेश। योगी जी आप तो छा गए, नंबर 1 की पोजीशन पाई है इस बार तुमने। खेल कूद और पढ़ाई दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया इसीलिए नंबर 1 का अवार्ड आपको जाता है। देखो मोदी सर जी, मेहनत और लगन से काम करो तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। पिछली बार मैं नंबर 3 पर आया था लेकिन इस बार नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली मैंने। अरे मम्मी जी, अब मेरा बोलने का नंबर आने वाला है, मैं कैसे बोलूं? मुझे घबराहट हो रही है सबके सामने बोलते हुए। बेटा ऐसी बातें नहीं करती, देख अखिलेश कितना अच्छा बोला। और मुझे इस बात पे गर्व है कि तुमने हजारों स्टूडेंटों में नंबर 3 की रैंकिंग हासिल की। और राहुल, पहले तो तुम रैंकिंग में ही नहीं आते थे, अब तो नंबर 3 पर आ गए, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं मोदी सर जी, पहले मैं खेल कूद में तो माहिर था ही, थोड़ा सा पढ़ाई में सुधार किया, इसी तरीके से नंबर 3 पर आ गया। मोदी सर जी, न्यूयॉर्क के मौके पर होने वाली अवार्ड फंक्शन की मैं निंदा करता हूँ। मैंने कबड्डी में पहला स्थान पाया था लेकिन मुझे चौथी रैंकिंग मिली जबकि मैं पहली का हकदार था। अरे लालू जी, आपने कबड्डी में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन और खेलों में तो पिछड़ गए, इसीलिए चौथे नंबर पे आए हो। अगली बार मेहनत करना, पहले पर आ जाऊंगी। और फ्रेंड्स, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे क्या कहती हो सब लोग, मेरा प्लान आइडिया बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है कि नहीं है? मेरे प्लान के मुताबिक किसी को मजदूर भी देखना नहीं पड़ेगा अपनी धान की फसल से धान अलग करने के लिए। सब मिल बांट के एक दूसरे के खेत पर जाएंगे और धान की फसल से धान को झाड़ कर अलग कर देंगे। अरे मोदी जी, मुझे तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये कोई आइडिया है? सब लोग आ गए तुम्हारे खेत पर तो मैं भी चला आया, वैसे मेरा आने का मन नहीं था। ये बताओ, तुम्हारा 5 बीघा खेत है और मेरा तो 1 ही बीघा खेत है। सही कह रहे हो राहुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें मोदी जी के 5 बीघा खेत में मजदूरी करना पड़ेगी जबकि तुम्हारा 1 बीघा खेत है और मेरा तो 2 बीघा खेत है। ये हमारे खेत में 1 बीघा और 2 बीघा में मजदूरी करेंगे। और योगी जी एक चीज बताऊं, एक चीज का तो ध्यान दो, ये सबसे पहले अपने खेत पर मजदूरी करा रहे हैं। क्या पता ये अपना खेत पर मजदूरी कराने के बाद हमारे खेतों पे ना जाए काम करने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। उमेशी जी, तुम्हें क्या लगता है कि जुबान कुछ नहीं होती है? अरे मैंने जुबान दे दी, तुम मेरे खेत पर काम करवाओ, मैं तुम्हारे खेत पर काम करवाऊंगा। कंबल तो खेत एक दूसरे का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश का तो पूरा 12 बीघा खेत है। इसीलिए तो मैं खुशी खुशी आ गया आपके काम पर, फिर आप लोग मेरी 12 बीघा की फसल कटवा देंगे। मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ अखिलेश मोदी जी, बहुत खिलाफ हूँ। क्यों लालू जी, तुम क्यों खिलाफ हो, बताओ क्या वजह है? अरे तुम लोगों का इतना ज्यादा खेत है, किसी का 12 बीघा है, किसी का 10 बीघा है, किसी का 2 बीघा है, किसी का 3 बीघा है, मेरा तो सिर्फ 0.5 बीघा खेत है। तुम सब लोग मिलकर मेरे 0.5 बीघा खेत में काम करोगे, आधे घंटे में काम कर दोगे और मैं तुम्हारे इतने बड़े बड़े खेतों में काम कर रहा हूँ, पूरा दिन काम कर रहा हूँ। अरे लालू जी, ऐसी बात आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया है कि कंबल तो खेत लोगों का है ही, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, मिलवा के काम करने में बहुत फायदा है। कभी तुम्हारा ज्यादा काम पड़ेगा हम मिलके नहीं करेंगे काम। लालू जी, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मेरा तो कोई खेत भी नहीं है फिर भी मैं तुम लोगों की सहायता कराने के लिए आ गया, किसी वजह से ही तो आया हूँ कि आगे मेरी कभी कोई काम पड़ेगा तुम लोग मेरा काम तो कर दोगे। यही भाईचारा तो आपस में अपना होना चाहिए। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।